बारिश के बीच मुंबई करों पर महंगाई की एक और मार पड़ सकती है। जहां कल शिंदे सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 और 5 रुपए की कटौती की, वहीं अब सीएनजी के दाम कम ना होने की वजह से ऑटो और टैक्सी यूनियन लगातार किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई करों को रिक्शा और टैक्सी किराए में बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ सकता है। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन ने सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए मुंबई में टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग की। बढ़ती महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों से टैक्सी चालकों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा टैक्सी चालकों का कहना है कि पिछले 7 से 8 महीनों में सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण टैक्सी चालकों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इसलिए टैक्सी चालकों और यूनियनों की मांग है कि सरकार इस पर तत्काल फैसला ले और टैक्सी चालकों को राहत दे। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन ने मांग की है कि पिछले 1.5 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बढ़ाकर 35 रुपए किया जाए। फिलहाल पहले 1.5 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 25 रुपए है, जिसमें टैक्सी मैन संघ ने 10 रुपए किराया बढ़ाने की मांग की। सरकार ने खटवा समिति की सिफारिश के अनुसार टैक्सी चालकों के लिए किराया वृद्धि तय करने के लिए खटवा समिति नियुक्त की है, जिसके आधार पर टैक्सी चालकों का किराया वृद्धि मिलता है। रिक्शा के लिए बढ़ती ईंधन दरें, टैक्सी का किराया और बाद में प्रति किलोमीटर लागत, वाहन रखरखाव और मरम्मत की लागत, नए रिक्शे और टैक्सियों की लागत, वार्षिक मूल्यह्रास, वार्षिक बीमा, मोटर वाहन कर, हर साल लाइसेंस नवीनीकरण का पैसा, आजीविका वार्षिक खर्च को ध्यान में रखते हुए किराए के फॉर्मूले के अनुसार दरें तय की जाती है।